स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर द्वारा प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा पंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर के गंगा सागर तालाब में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक ऐच्छिक कोष से लगभग 30 लाख लागत की दो योजनाओं से बने घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक शेखर ने कहा कि इस ऐतिहासिक तालाब पर घाट बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों व प्रखंड मुख्यालय पहुँचने वाले प्रखंड के सभी 13 पंचायतों के लोगों को सहूलियत होगी। खासकर शुभ कार्यों में इस पवित्र सरोवर से जल बोझने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं सुंदरता और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह काफी बढ़िया रहेगा। क्या लाभ होगा यहाँ के लोगों को? ये मधवापुर प्रखंड मुख्यालय है और ये जो जगह है बगल में दुर्गा मंदिर भी है, सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पूरे मधवापुर के लोगों का इस जगह से लगाव है, आना जाना है, श्रद्धा है। यहाँ मंदिर में भी यहाँ इस पोखरा में लोग स्नान करेंगे, आएंगे और बहुत बड़ा बड़ा यहाँ आयोजन भी होता है दुर्गा पूजा में और बहुत सारा यहाँ उत्सव मनाया जाता है। और वैसे भी जो महागठबंधन की सरकार है अभी विकासशील है, विकास इस सरकार में विकास का गंगा बह रही है। उसी कड़ी में आज हमारे जो विधायक हैं, युवा लोकप्रिय विधायक जदयू के श्री सुधांशु शेखर जी, वो विशेष रूप से जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना से ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं, वैसे ही योजना वो लोगों के जन कल्याण के जनहित में वैसे ही योजना चलाते हैं, वैसे ही योजना देते हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में विकास की और गंगा बहे। जो भी काम है, बाकी जो महत्वाकांक्षी काम है, जो जनहित में है, लोगों को जिससे विकास के पथ पर लोग जैसे अग्रसर होगा, वैसा काम माननीय विधायक जी के करकमलों द्वारा इसी तरह उद्घाटन होता रहेगा। और आप लोगों को भी हम लोग शुभकामना देते हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, मीडिया भाइयों, आप लोगों को तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का योगदान है, इसलिए कि अच्छे काम को आप लोग ही लोगों में ला सकते हैं। और हम लोग काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारी सरकार काम पर विकास पर विश्वास करती है। हम लोग देश को, राज्य को, समाज को गलत दिशा में हम लोग नहीं जाने देने का प्रयास करते हैं। सुधांशु शेखर के द्वारा जिस तरह से यहाँ घाट का निर्माण किया गया है और विभिन्न जगहों पर इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, किस रूप में इनके कार्यों को आप देख रहे हैं? यह सामाजिक कार्य है और पोखर का उद्धार होना चाहिए। अभी जो पोखर का उद्घाटन हुआ है, इसका नाम है वार्ड नंबर 1 में गंगा सागर पोखर। बहुत ही पुराना पोखर है, इसके पानी से लोग पहले हमारे पूर्वज लोग खाना भी बनाते थे, लेकिन ये विगत 25-30 बरस में ये पोखरा जो है खराब हो गया है। कोई नहाना भी नहीं पसंद करता है, जबकि पोखरा के सामने बहुत पुराना पंचेश्वरनाथ का मंदिर है, सामने दुर्गा जी का मंदिर, साल में एक बार पूजा पाठ होता है। इस वजह से भी ये घाट अति आवश्यक है। चारों तरफ बगल में नेपाल में भी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर घाट बन चुका है। तो यही इच्छा है दुर्गा पूजा समिति को, यहाँ के समाज को, कि उसी तरह का ये इसका चारों तरफ घाट हो जाए, लाइट से सुसज्जित हो जाए, ताकि बॉर्डर है ये मधवापुर, प्रखंड भर का लोग आते हैं, लोग मटिहानी में भी देखें, मधवापुर में भी देखें। और यही सोच से घाट का निर्माण शुरू हुआ, प्रमुख जी से शुरू हुआ, फिर प्राइवेट लोग भी बनाए, उसके बाद विधायक जी सुधांशु शेखर जी भी 132 फीट यानी एक बार में दो घाट दिए, उसके लिए उन लोगों का मधवापुर की तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं। और फिर आगे भी कहेंगे कि 800 फीट और बना दें। आप आगे मुखिया जी भी बना रहे हैं, उसके बाद जिला परिषद जी बना रहे हैं, इसी तरह से ये इस पोखरा का कायाकल्प हो जाए, कायाकल्प हो जाए, यही हम लोगों का इच्छा है। और आप लोगों से भी, मीडिया लोगों से भी इच्छा है कि इसका रिवर को हाईलाइट करें, ताकि आप लोगों के माध्यम से भी जो बचा हुआ कार्य है, बहुत बचा अभी तो सुबह हुआ है, आप लोग इसको अगर हाईलाइट करिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। सामाजिक काम है, धार्मिक काम भी है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत यहाँ के लोगों को काफ़ी दिनों से मांग था, इसका जीर्णोद्धार है, सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण,
विधायक जी के अनुशंसा से दो घाट का निर्माण कराया गया है, एक 14,99,400, एक 14,99,700, लगभग 30 लाख दोनों योजना मिला करके काम हुआ है विधायक जी के ऐच्छिक कोष से। और इससे काफी लोग लाभान्वित हुए हैं और खुशी का माहौल है यहाँ के लोगों में, काफी खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा काम हुआ है। धार्मिक रूप से यह महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है, सामने में दुर्गा मंदिर भी है, भोला बाबा का मंदिर भी है। इधर वर्षों से इस तालाब के उद्धार की राह देख रहे ग्रामीण इस उद्घाटन से हर्षित नजर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू नेता अवधेश मिश्र ने की। मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि नीलांबर मिश्र, राजद प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मुनेश्वर ठाकुर, मुखिया प्रतिनिधि अनिल शाह, मुखिया सुरेश कामत, पूर्व मुखिया राजकिशोर यादव, लक्षणदेव मंडल, रोशन नायक, देवेंद्र यादव, युगल किशोर यादव, ललन सिंह, रामचंद्र महतो, रामबाबू गुप्ता, बलराम झा, शिव कुमार शाह, पंसद प्रतिनिधि अजय कुमार शाह सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे।